Hello everybody, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Allahabad. Today we are going to have a discussion over Jude the Obscure written by Thomas Hardy. Thomas Hardy, jinko hum link between Victorian and modern literature mante hain, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ पोएट किया, बट इनकी शुरुआत की जो पोएट्री थी वो पब्लिश नहीं हुई, जिसकी वजह से यह नॉवेल की तरफ मूव हुए और नॉवेल राइटिंग में एक अलग ही प्लेस, एक अलग ही मुकाम अपने लिए हासिल किया और आज वर्ल्ड लिटरेचर में एक रीजनल नॉवेलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। रीजनल नॉवेलिस्ट के रूप में इन्होंने वेसेक्स के आसपास, तो ऑक्सफोर्ड के आसपास जगह होती थी, उस वेसेक्स को लेकर के इन्होंने अपना एक रीजन तैयार किया और नॉवेलिस्ट के रूप में एक रीजनल नॉवेलिस्ट कहलाए। इनके नॉवेल्स की वैरायटी ज्यादातर इन्होंने अपने नॉवेल में उस समय की सोसाइटी, क्लास, रिलीजन, मैरिज को थीम बनाकर रखा था और एक बार फिर से उन्होंने अपने लास्ट कंप्लीट वर्क ज्यूड द ऑब्स्क्योर में उन्होंने एक बार फिर से इन्हीं चारों विषयों को, क्लास, सोसाइटी, एजुकेशन, मैरिज, रिलीजन को प्लेस दिया हुआ है। वी कैन कम हियर that he started writing in December 1894 and completed in November 1895 in serial in Harper's New Monthly Magazine and as a book in 1895. Victorian society की बात किया जाए तो Victorian society वो चाहे Thomas Hardy रहे हो या फिर चार्ल्स डिकेंस रहे हो, उस समय जो नॉवेल राइट किए जाते थे उनको राइट करने का पैटर्न उनका सीरियल राइटिंग था। मंथली उसको पब्लिश किया जाता था, पार्ट्स में पब्लिश किया जाता था और ऐसा ही थॉमस हार्डी ने भी किया था। तो जिसको ऑलमोस्ट 11 मंथ जो दिसंबर 1894 से शुरू होता है और नवंबर 1895 में कंप्लीट होता है, इसे 11 मंथ में वो कंप्लीट करते हैं। इसको सीरियल के रूप में मैगजीन, जिसका नाम हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन था, इस मैगजीन में पब्लिश किया था। बाद में जब सारे इसके पार्ट्स कंप्लीट हो गए तो 1895 में ही इसे बुक के रूप में पब्लिश किया जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि यह इनकी लास्ट पब्लिश्ड नॉवेल नहीं थी एज अ बुक, क्योंकि एज अ बुक के रूप में अगर देखा जाए तो लास्ट पब्लिश नॉवेल जो थी वो थी द वेल लव्ड। द वेल लव्ड जिसको इन्होंने सीरियल के रूप में 1892 में लिखा हुआ था, लेकिन उसका पब्लिकेशन सीरियल में तो 1892 में वो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उसका पब्लिकेशन एज अ बुक के रूप में 1897 में होता है। तो पब्लिकेशन को अगर देखा जाए तो द वेल लव्ड जो है वह लास्ट इनका वर्क होता है, बट एक्चुअल में राइटिंग और जिसके बाद इन्होंने लिखना बंद कर दिया अगर उसको देखा जाए तो इट्स ज्यूड द ऑब्स्क्योर जिसको लास्ट वर्क के रूप में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। इट इज द लास्ट कंप्लीट नॉवेल बाय हार्डी। इट्स ओरिजिनल टाइटल वाज द सिंपल्टन्स एंड then Hearts Insurgent and finally Jude the Obscure। जब Thomas Hardy ने इस नॉवेल पर वर्क करना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने इस नॉवेल का टाइटल जो दिया था वो था द सिंपल्टन्स। द सिंपल्टन्स पर कुछ समय तक उन्होंने वर्क किया, फिर थोड़े समय के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि यह टाइटल सुटेबल नहीं है और उन्होंने इस टाइटल को दूसरी ओर टर्न किया, दैट्स अ हार्ट्स इंसर्जेंट। हार्ट्स इंसर्जेंट से भी ही वाज नॉट सैटिस्फाइड और फाइनली पब्लिश होने के लिए जब इसका कार्य शुरू होता है तो लास्ट जो बुक के रूप में पब्लिश होती है तो उस समय उसका टाइटल ज्यूड द ऑब्स्क्योर होता है जो आज तक हमारे पास अवेलेबल है।
It was published by Osgood MacRae, Osgood MacLaren and Company, covering class, education, religion and marriage. अगर बात किया जाए तो ये जो वर्क है इनका एज अ सीरियल अगर पब्लिश करने की बात होती है तो सीरियल के रूप में हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन ने इसको पब्लिश किया था, लेकिन जब इसको बुक के रूप में पब्लिश किया गया तो जो पब्लिशर्स थे उनका नाम था ऑसगुड मैक्लेरियन एंड कंपनी। ऑसगुड मैक्लेरियन कंपनी ने जो पब्लिश किया, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इनके नॉवेल का जो थीम होता था क्लास, एजुकेशन, रिलीजन और मैरिज, इनके नॉवेल का मेन थीम, मेन विषय हुआ करता था। तो बुक के रूप में ऑसगुड ने पब्लिश किया और मैगजीन में सीरियल के रूप में हार्पर्स ने इसको पब्लिश किया। द इवेंट ऑफ नॉवेल कवर 19 इयर्स, ओपनिंग विद एज ऑफ 11 एंड एंडिंग विद लेट 30s ऑफ जून। अगर इस नॉवेल की ओपनिंग की बात किया जाए तो जब नॉवेल ओपन होता है तो ज्यूड उस समय 11 ईयर ओल्ड ऑर्फन बॉय होते हैं, लेकिन जब वो नॉवेल की एंडिंग होती है तो ऑलमोस्ट लेट या अर्ली 30s भी हो सकता है, लेट 30s एक एस्टिमेटेड टाइम दिया जाता है कि जिस तरह से वो लुक उसका लुक होता है वो लेट 30s में जा चुका होगा। तो ऑलमोस्ट 19 ईयर्स का जो टाइम होता है उसको ये कवर करने का काम करता है। जूड के एज से ही हम इसको गेस करते हैं, अदरवाइज वहां पर कोई ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता। इट मे हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ होरेस मॉले इन 1873 एंड ट्राइफेना स्पार्क्स इन 1890। इस पूरे नॉवेल को अगर देखा जाए तो इंस्पायर्ड करने का काम दो लोगों की डेथ ने किया था। जैसा हम यहां पर देखते हैं कि डेथ के रूप में नॉवेल में अगर हम आते हैं तो लिटिल ज्यूड जो होगा वह एक ऐसा सुसाइड करेगा जिस सुसाइड का जो सोर्स है, इनफैक्ट डेथ का जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं उनके एक फ्रेंड होते हैं और उनकी एक कजिन होती है, ट्राइफेना स्पार्क्स द कजिन एंड होरेस मॉले इज हिज फ्रेंड। होरेस मॉले जो स्कॉलर बनना चाहते थे बट बाद में स्कॉलर नहीं बन सके, उसमें फेलियर उनको मिला और उस फेलियर से इतने शॉक्ड वो हुए कि उन्होंने अपनी सुसाइड कर ली। जो होरेस मॉले थे कहीं ना कहीं इस नॉवल में ज्यूड फॉले का कैरेक्टर जो होता है उसको नरेट करते हैं। दूसरे वो ट्राइफेना जो स्पार्क्स थे उन्होंने अपनी लाइफ में सुसाइड किया हुआ था और पॉसिबली इनके सुसाइड का जो प्रभाव रहा वो जो लिटिल ज्यूड होता है, ज्यूड का बेटा होता है, शायद उसकी लाइफ से इंस्पायर्ड होता है। दोनों की अलग अलग डेथ होती है, होरेस मॉले की डेथ 1873 में और ट्राइफेना स्पार्क्स की डेथ 1890 में होती है। और नॉवेल की शुरुआत जैसा मैंने पहले बताया कि ईयर्स की शुरुआत दिसंबर 1894 में और कंप्लीशन नवंबर 1895 में होता है। हार्डी क्लेम्ड दैट वाल्शम हाउ बर्नट अ कॉपी ऑफ इट। इनफैक्ट ज्यूड द ऑब्स्क्योर को क्यों बंद कर दिया गया, इसके पीछे बड़ा रीजन है। रीजन इस तरह आता है कि जो ज्यूड द ऑब्स्क्योर का थीम है, खास तौर से जो मैरिज है या सेक्सुअल रिलेशन है, वो उस समय के अकॉर्डिंग नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ज्यूड फॉले और उनकी अपनी एक कजन जो रिश्ते में लगती थी, सुजन्ना ब्राइडहेड, जिनको खास तौर से सू के नाम से जाना था, सू ब्राइडहेड का एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें बिना शादी के उनके पास बच्चे होते हैं, एक ऐसा थीम जिसको समय की सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। पॉसिबल यही रीजन था कि बाद में वाल्शम हाउ जो एक बिशप थे, जब उन्होंने ज्यूड द ऑब्स्क्योर को पढ़ा तो उन्हें ऐसा लगा कि यह जो है अगेंस्ट रिलीजन और उन्होंने उसकी कॉपी को जला दिया। इस तरह का जो निगेटिव रिस्पॉन्स इस वर्क के लिए आया शायद यह बड़ा रीजन बनता है जिसकी वजह से बाद में थॉमस हार्डी ने नॉवेल लिखना ही बंद कर दिया। There are six parts in the novel. नॉवेल में कुल 6 पार्ट हैं जो अलग अलग जगहों को टेक प्लेस करते हैं। जैसे पार्ट फर्स्ट जो होता है मैरी ग्रीन, जहां से नॉवेल की शुरुआत होती है, मैरी ग्रीन नामक जगह से होती है।
पार्ट टू जो है वो क्रिस मिनिस्टर नामक जगह जो होता है उस जगह को लेकर जाता है जहां पर फाइनली एक मिशन होता है कि ज्यूड फॉले वहां जाना चाहता है। पार्ट थ्री जो होता है मैनचेस्टर में होता है। पार्ट फोर जो होता है सस्टन में होता है, जहां सस्टन वो जगह है जहां पर इसमें दूसरे जो साइड हीरो कह सकते हैं रिचर्ड फ्लॉक्सन है वो जहां पर टीचर का काम करते हैं वो जगह होती है उस जगह पर। पार्ट फिफ्थ जो है एल्डर ब्रिगहम में होती है जहां पर सू और ज्यूड दोनों शादी करके जाते हैं। और पार्ट सिक्स जो लास्ट पार्ट होता है एक बार फिर से वो क्रिस्टमिंस्टर में होता है, वापस आकर के क्रिस्टमिंस्टर में वो जगह हो जाती है। इस नॉवेल का जो कैरेक्टर्स हैं उनमें ज्यूड फॉले जो इस नॉवेल के सेंट्रल कैरेक्टर हैं, जो एक्चुअल में एक ऑर्फन है और अपनी आंट के साथ रहते हैं, आंट ड्रोसिला, इनके फादर की डेथ हो चुकी है। और फाइनली ये बनना तो स्कॉलर चाहते थे बट इवेंचुअली धीरे धीरे ये मैसन बन जाते हैं, स्टोन कटर का काम करते हैं। सुजन्ना ब्राइडहेड जो ज्यूड फॉले की कजन होती हैं वो क्रिस्टमिंस्टर में रहती हैं और दोनों के बीच में लव होने के बावजूद सुजन्ना ब्राइडहेड जब ये जानती है ज्यूड ऑलरेडी मैरिड थे तो वह स्कूल टीचर रिचर्ड फ्लॉक्सन से शादी कर लेती हैं। हालांकि बाद में उनको छोड़ करके वापस फिर से ज्यूड के पास आती हैं और ज्यूड को छोड़कर एक बार फिर से रिचर्ड फ्लॉक्सन के पास जाती हैं। अराबेला डन एक बहुत ही क्लेवर और बड़ी कर्सिव टाइप की एक लेडी है जो बड़ी बेरहमी से पेश आती है। एक्चुअली शी इज द फर्स्ट वाइफ ऑफ ज्यूड ऑब्स्क्योर जो बड़ा ट्रिक करती है और ट्रिक के जरिए अब ज्यूड से शादी करती है और फिर इनको छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी शादी करती है और वहां से वापस आने के बाद एक बार फिर से ज्यूड से शादी करती है और लास्ट में इन्हीं से शादी करके ज्यूड की डेथ होती है। आंट ड्रोसिला शी इज आंट ऑफ ज्यूड फॉले और वो ज्यूड फॉले को बचपन से पाल पोष कर बड़ा करती है। ये बेकरी का काम करती हैं और बाद में ज्यूड फॉले बेकरी के इनके काम में इनकी हेल्प करता है। फाइनली शी डाइज इन द नॉवेल। रिचर्ड फ्लॉक्सन जो है वो एक टीचर है और इनका एक मिशन है कि ये जाकर के एक क्लर्जीमैन बनेंगे, पोप बनेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कर पाते हैं और लास्ट में ये स्कूल मास्टर ही रह जाते हैं। और स्कूल मास्टर होने के बाद इन्होंने सुजेना से शादी किया, सू ब्राइडहेड से। बाद में उनको छोड़ने के लिए एक और इशू होता है क्योंकि इन्होंने शादी अपनी खत्म नहीं की थी और सू को जाने दिया था जहां पर सू ज्यूड के साथ जाकर के रहने लगी थी। इस वजह से इनको भी अपने जॉब छोड़ने पड़े थे जो अगेंस्ट सोशल लॉ था, सोसाइटी के लॉ के अगेंस्ट था। लिटिल फादर टाइम या फिर लिटिल ज्यूड, लिटिल फादर टाइम एक्चुअली ज्यूड और अराबेला डन का बेटा था जो बाद में ज्यूड के पास ही आकर के रहने लगता है। उसका नाम लिटिल ज्यूड होता है। ये लिटिल फादर टाइम जो होता है वो अपने उम्र के अनुसार बहुत सीरियस लगता है, इसलिए शायद इसका ऐसा नाम दिया गया है। और यही वो बंदा होता है जिसने खुद तो सुसाइड किया ही, साथ ही साथ ज्यूड और सुजन्ना के जो दो और बच्चे हुए थे उन दोनों को भी हैंग कर देता है, उनको मारकर खुद भी सुसाइड कर लेता है। मिस्टर ट्राउथम जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिनको हम इस रूप में समझते हैं कि मिस्टर ट्राउथम इनकरेजेस इन फैक्ट एंड ही इज अ फार्मर इज अ टर्निंग पॉइंट। मिस्टर ट्रॉथम जो होते हैं टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है क्योंकि ज्यूड जब बाहर जाने की कोशिश करता है उसको प्रॉब्लम होता है, ट्रॉथम के फार्मर वर्क करता है और वो उसको हायर करता है, हालांकि बाद में निकाल लिया करते हैं। विलबर्ट जो है वो एक डॉक्टर है जिनसे ज्यूड मिलता है और ज्यूड इनकी मेडिसिन का एडवर्टाइज करता है और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि बदले में कि उसको ये ग्रामर की बुक देंगे जिसमें वो लैटिन और ग्रीक सीख सकेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये वहां पर उसको चीट करते हैं। अंकल जो है वो भी एक स्टोन कटर है क्रिस्टमिंस्टर में, ये भी स्टोन कटर है और साथ साथ काम करते हैं। इनके उकसाने की वजह से एक बार ऐसा हुआ है कि ज्यूड को जॉब छोड़ना पड़ा है। मिस्टर हायरिज जो है वो एक क्लर्जी मैन है और क्लर्जी मैन होने के साथ साथ वो जब आंट ड्रोसिला की डेथ होने वाली होती है तब ड्रोसिला को डेथ के समय में ये वहां पर पहुंचे होते हैं। जिलेंगम जो है, जिलेंगम ये रिचर्ड फ्लॉक्सन के फ्रेंड हैं। रिचर्ड फ्लॉक्सन ने जब इनसे बताया कि इन्होंने सू को छोड़ दिया है और अभी इनकी डिवोर्स नहीं हुए
इसके बावजूद वो दूसरे पर्सन जूड के साथ रह रहे, तो ये वो होते हैं जिन्होंने इनको फटकारा कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, सोसाइटी के अगेंस्ट है। इज अ फ्रेंड ऑफ रिचर्ड फिलॉसन। कार्टलेट, कार्टलेट वो है जो सेकंड हस्बैंड ऑफ अराबेला डल बनते हैं। अराबेला डल से इनकी शादी हुई और बाद में इनको छोड़ करके फिर से अराबेला जो है जूड दॉक्स जूड के पास आ जाती है, शादी करती है। टिंकर लेयर टेलर जो है, टिंकर टेलर जो है वो इज अ फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड ऑफ ज्यूड ऑब्स्क्योर। ये भी शायद उसी जगह पे जो मैसन का काम था, स्टोन कटिंग का काम करता था। वेनो एल्डिन जो है वो क्रिस्टमिंस्टर में रहती थी और वहां पर लास्ट में वेनो एल्डिन ही होती है जिनसे अराबेला बात करती है और वो चाहती है कि सू ज्यूड की डेथ के बावजूद उस जगह पर ना आए। तो ये थे कैरेक्टर्स फ्रॉम ज्यूड द ऑब्स्क्योर। अब आते हैं शॉर्ट में, देखते हैं इस नॉवल की समरी। नॉवल की शुरुआत होती है जहां पर ज्यूड जो है वो एक 11 ईयर का बच्चा होता है और उसकी डिजायर है कि वो ग्रीक और लैटिन को लर्न करे और बाद में एक अच्छा स्कॉलर बने जिसका इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं फिलॉसन होते हैं। और फिलॉसन जो मेरी ग्रीन नमक टाउन में अभी पढ़ा रहे थे वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एक क्लर्जीमैन बनेंगे और क्रिस्टमिंस्टर में जाएंगे। क्रिस्टमिंस्टर एक ऐसा जगह था जिसके बारे में शायद जूड फॉले ने पहले सुना भी नहीं था। इनके चले जाने के बाद जूड जो था वो जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसने डिसाइड किया कि वो आन ड्रूसुला की हेल्प करेगा क्योंकि और कोई काम था नहीं, बट अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखेगा। तो आन ड्रूसुला की बेकरी के काम को वह आगे बढ़ा रहा था। इधर भी जब वह उसकी उम्र हुई तो उसके साथ उसके कंट्री साइड में रहने वाली अराबेला डन से उसका एक अफेयर होता है। शुरुआत में यह अफेयर तो नॉट सीरियस था लेकिन धीरे धीरे करके इस अफेयर में सीरियसनेस आ जाता है और अराबेला डन एक ट्रिक करती है जिस ट्रिक में वो बताती है, जब ज्यूड उनसे दूर जाने लगता है तो वो बताती है कि शी इज प्रेग्नेंट ऑफ चाइल्ड। और जब ज्यूड ये बात सुनता है कि अराबेला उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो वह डिसाइड करता है वो अराबेला से शादी कर लेगा जबकि अराबेला उसको पसंद नहीं करता था। इधर भी शादी होने के बाद अराबेला ने उस जूड ने बताया, पूछा कि बच्चे के बारे में, तो अराबेला ने कहा कि मैं झूठ बोल रही थी और एक ट्रिक था जिससे वो उसके साथ शादी कर ले। इस बात से जूड काफी नाराज भी होता, काफी हर्ट भी होता, डीप डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस भी होता है और वो किसी तरह से अपनी लाइफ को बेकरी के काम को आगे बढ़ा करके आगे बढ़ा रहा था। इधर बीच उसे और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अराबेला डन जो एक फ्री माइंडेड गर्ल थी, कहीं न कहीं उन्होंने धोखा तो दिया ही था जूड को, डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाएंगी और बिना बताए एक लेटर को छोड़ करके, जूड ऑब्स्क्योर को लेटर छोड़ करके वो अपने पेरेंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाती। चूंकि वो ऑस्ट्रेलिया चली गई और अब जूड के पास मैरी ग्रीन जगह पर कुछ रह नहीं गया था, इसलिए आम रुस्ला से परमिशन लेकर के वो डिसाइड करते हैं कि वो क्रिस्टमिंस्टर में जाएंगे और वो भी ग्रीक और लैटिन को पढ़ के वहां पर कोई क्लर्जी मैन या कोई रिलीजियस पर्सन बनेंगे। जब वो घर से निकलते हैं तो उनके पास सबसे बड़ी समस्या इस बात की होती है कि उनको एक्सपेंसेस को मीट करना है, खर्चे जो उनके हैं उसको कैसे वो करेंगे। इसलिए रास्ते में पढ़ने वाले मिस्टर ट्रॉथम जो फार्मर थे, इनके फार्मर्स ने काम किया और कुछ दिनों के काम करने के बाद फिर वो वहां से चल दिया। कई अलग अलग फार्मर्स से मिलते हुए एक मिस्टिक पैटर्न में उसको जगह क्रिस्टमिंस्टर के बारे में बताया गया और कुछ लोग कहते थे जहां ढेर सारे लोग किताब पढ़ते हुए मिल जाए समझ लेना वही क्रिस्टमिंस्टर जगह है। वो भटकता हुआ क्रिस्टमिंस्टर में पहुंचता है लेकिन उसके पहले उसकी जो जगह होती है वो डॉक्टर से मिलने की होती है, डॉक्टर विलबर्ट से वो मिलता है। डॉक्टर विलबर्ट जो होते हैं वो उसके साथ ट्रिक करते हैं, जब वो बताता है कि एक्चुअल में वो एक स्कॉलर बनना चाहता है तो वो उसके साथ ट्रिक करते हैं और कहते हैं उनके पास लैटिन और ग्रीक की ढेर सारी ग्रामर की बुक है, अगर वो उनके मेडिसिन को एडवर्टाइज करेगा तो वो उसके बदले में उसको ग्रामर की बुक्स दे देंगे। ऐसा जब जूड ने कर दिया तो बाद में विलबर्ट ने बताया कि उन्होंने उनके पास ऐसी कोई ग्रामर की ग्रीक और लैटिन के लिए बुक्स नहीं है, इसलिए एक बार फिर से वो डिसअपॉइंटेड होता है और रिचर्ड फिलॉसन को वो एक लेटर लिखता है क्योंकि रिचर्ड फिलॉसन की जो पियानो थी वो इसके पास छूट गई थी। और इस तरह से एड्रेस जब इसको मिल गया तो उसने वापस कॉल किया, रिचर्ड फिलॉसन को एक्चुअली में लेटर लिखा
और ये जानने की कोशिश किया कि कौन सी उन बुक्स को वो पढ़े, जिन बुक्स को पढ़ने के बाद वो अभी एक लर्नेड पर्सन बन जाए, जिस तरह से रिचर्ड फ्लॉसन है। रिचर्ड फ्लॉसन उनको कुछ ऐसी किताबों के नाम बताते हैं जिन किताबों को वो पढ़कर ग्रीक और लैटिन के बारे में जान तो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो उन किताबों को खरीदता है तो उसे लगता है कि लैटिन और ग्रीक के ग्रामर को सीखना बड़ा मुश्किल काम है। अब चूंकि उसके पास यह अभी मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि किसी न किसी तरह से अपने एक्सपेंसेस को तो मीट करना ही है। इसलिए वो डिसाइड कर लेता कि क्रिस्टमिंस्टर में कि वह वहां जाकर के किसी न किसी स्टोन कटर के रूप में काम करेगा, स्टोन मैसन के रूप में काम करेगा और वहां जाकर वो स्टोन मैसन बन जाता है। हालांकि जब वो क्रिस्टमिंस्टर जाता है तो आन ड्रोसुला ने उसको वार्न किया था, एक्चुअली वार्न किया था कि वहां जाने के बावजूद वह किसी भी कंडीशन में सुजन्ना ब्राइट है जो वहीं पर रह रही है उनसे मुलाकात ना करे। ये चाहते हुए भी कि वह ना मिले, लेकिन फिर भी जूड ने डिसाइड किया कि वह उससे मुलाकात करेगा और छुप करके उसको देखने के लिए जाता है। जूड के अगवा पर होने की इंफॉर्मेशन सुजन्ना ब्राइट हेड को भी हो जाती, इसलिए सुजन्ना भी उसको देखने के लिए उस जगह पर आती जहां पर वह एज एन एम्प्लॉयर काम कर रहा था और वहां पर लेटर छोड़कर जाती जिसके थ्रू दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। बातों में यह मालूम चलता है सुजन्ना वहां पर जो रह रही है वो अभी सिंगल है, और यही बात वहां पर मालूम चलता है कि टाउन एरिया में जब वह बात करता है कि यहाँ पर रिचर्ड फ्लॉक्सन आए हैं और वो एक क्लर्जीमैन बनने के लिए, तो उन्होंने बताया रिचर्ड फ्लॉक्सन नाम के स्कूल टीचर यहाँ पर है, कोई क्लर्जीमैन नहीं। हालांकि इस बात को जानकर ज्यूड फॉरवर्ड डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन वो जाकर रिचर्ड फ्लॉक्सन से मिलता है। रिचर्ड फ्लॉक्सन इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि सुजन्ना ब्राइडहेड को वह अपने यहाँ एज अ टीचर अपॉइंट कर लेंगे और वहां पर काम करेंगे जिससे उसके एक्सपेंसेस को वो मीट कर सके। इधर बीच रिचर्ड फ्लॉसन के मन में सुजन्ना को लेकर लव होने लगा, जबकि ज्यूड के मन में भी कुछ ऐसी फीलिंग्स थी, लेकिन चूंकि आंट ड्रोसुला ने उनको वार्न किया था इसलिए वो उन बातों को आगे नहीं ले आ रहे थे। रिचर्ड फ्लॉसन के पहले इस तरह के ऑफर को सुजन्ना ने तो इनकार किया, लेकिन बाद में उसने भी इस बात को महसूस किया कि वो लव करते हैं। इस तरह सुजन्ना ने ज्यूड से इस बारे में शेयर किया कि किस तरह से रिचर्ड फ्लॉसन उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक्चुअल में वो बात भी यह भी बता देती है कि शी इज रेडी टू मैरी विद रिचर्ड फ्लॉसन। जूड को थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन फिलहाल वो इस बात से बेखबर होता है और इस चीज को बताता नहीं है कि उसको इस तरह की चीजें लगी हुई। सुजन्ना की जो शू की जो शादी है वो फ्लॉसन से होगी, लेकिन इसके बीच जूड जो है वो अपने अफेयर की बातें करने लगता है। इधर बीच जूड की जो पहली वाइफ थी अरबेला डन वो अभी ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गई, और इवेंचुअली उनकी मुलाकात जूड फॉले से हो जाती है एक बार में एक पब में, और वो वहां बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के काम कर रहे थे बट वहां पर काम उनके लिए ठीक नहीं लगा इसलिए वो वहां से यहाँ चली आई। लेकिन उन्हें यह मालूम हो चुका है कि जूड के मन में उसे कोई फीलिंग नहीं रहती। दोनों मिलते हैं और एक होटल में जाकर वहां सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हैं। इधर बीच रिचर्ड फ्लॉसन और सुजन्ना की भी शादी हो जाती है। जूड जो है वो काफी ब्रोकन हार्टेड है और वह वापस आ जाता है आन ड्रोसुला के पास, क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन मिलता है कि आन ड्रोसुला जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो उनसे मिलने के लिए आता है, और उस समय उसकी मुलाकात हायरिज नाम के एक प्रीस्ट से होती है। हायरिज से वो डिस्कशन करता है कि क्या उसके चांसेस भी हैं एक क्लर्जीमैन बनने के लिए। हायरिज उसको समझाता है कि बड़े पोस्ट पर तो नहीं लेकिन छोटे पोस्ट पर वर्क कर सकता है। कुछ समय तक उसने उस पर वर्क किया, लेकिन उसकी जिस तरह की फीलिंग थी सू ब्राइडहेड के लिए इससे उसको रियलाइज हो गया कि शायद वो इस तरह की रिलीजियस वर्क के लिए बना नहीं है। इधर बीच सू की जो लाइफ थी जब उसने रिचर्ड फ्लॉसन से शादी कर लिया तो उसको रियलाइज हो गया कि एक्चुअल में रिचर्ड फ्लॉसन के साथ शी इज नॉट हैप्पी फिजिकली मेंटली एंड सेक्सुअली, किसी भी तरह से वो उसके साथ खुश नहीं है। तो रियलाइज करती है कि शी मस्ट गो टू ज्यूड फॉले जो ऑलरेडी उनसे लव करता था, और सुजन्ना भी उनसे लव करती थी। ज्यूड फॉले के पास आने की जब बात उसने रिचर्ड फ्लॉसन से बताया तो रिचर्ड फ्लॉसन पहले तो इस पर एग्री नहीं होता, दोनों कंसीडर करते हैं और लास्ट में रिचर्ड फ्लॉसन उसको जाने के लिए कह देता है। सुजन्ना जूड के साथ चली जाती है,
लेकिन रिचर्ड फ्लॉसन जो ये बात अपने दोस्त जिलिंगहम से बताते हैं, तो जिलिंगहम उसको एक तरह से स्कोल्ड करते हैं कि इट इज अगेंस्ट सोसाइटी, और इस तरह से सुजनर का ज्यूड के साथ रहना गलत है। लेकिन इन दोनों के अपने जो डिसीजंस थे, अपने जो काम थे, उस पर यह श्योर थे और इन्होंने डिसाइड कर रखा था कि उनको साथ में ही जाना है। इधर भी अराबेला डन जो अपने साथ एक बच्चे को रखे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उसने बाद में ज्यूड को बताया कि वो एक ज्यूड के बच्चे की माँ है जो ऑस्ट्रेलिया में उसके पेरेंट्स के साथ हैं, और अब चूंकि उसके पेरेंट्स उसको रख नहीं सकते इसलिए उस बच्चे को वो चाहती है कि वो रख ले। इस बात के लिए सू और जूड दोनों तैयार हो जाते हैं और बड़ी लविंगली उस बच्चे को अपने साथ रखते हैं, जिसका नाम बाद में लिटिल फादर टाइम होता है, जो देखने में उम्र के अनुसार बहुत छोटा है लेकिन उसकी सीरियसनेस उसको बड़े की एक डिग्री में रखती है। हालांकि उसको लिटिल जूड के नाम से भी जाना जाता है। सुजन्ना जूड को कहती है कि वो उसे माँ कहकर बुलाए और वो उसको माँ के रूप में जानता है। सुजन्ना और जूड दोनों एक होटल में जाकर के रहने की प्लान करते हैं, और ये होटल जो था वो अल्ब्रिकहम में था जिसका नाम टेम्परेंस होटल था। टेम्परेंस होटल जो अल्ब्रिकहम में था वहां पर जाने के बाद उन्होंने थोड़ा अनकंफर्टेबल फील किया, इसलिए उन्होंने दूसरे होटल में गए। दूसरे होटल में गए जिस होटल में ऑलरेडी अराबेला के साथ जूड जा चुका था। जब जूड वहां नहीं था तो वहां की मेड ने सु को बताया कि यह आदमी पहले भी एक औरत के साथ आ चुका है। इस बात से सु नाराज होती है तो जूड बताता है कि वो लीगली उसकी वाइफ है इसलिए वो उसके साथ रह सकता है। इधर बीच चूंकि बच्चा भी वहां पर रहने लगा था तो अराबेला ने जूड को डाइवोर्स दिया। इधर से रिचर्ड फ्लॉसन ने भी सु को डाइवोर्स दिया, बट सु अब शादी नहीं करना चाहती है, इस तरह की वो फीलिंग से दूर रहना चाहती है, सेक्सुअल रिलेशन से भी दूर रहना चाहती है और शादी से भी दूर रहना चाहती है। हालांकि सेक्सुअल रिलेशन के लिए धीरे धीरे करके जूड उनको मना लेता है और दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशन होता है, जिसका रिजल्ट होता है इनके दो बच्चे हो जाते हैं। जब ये दो बच्चे हो जाते हैं और इन दोनों ने शादी नहीं की है तो धीरे धीरे इनके लिए डिसाइड करना किसी प्लेस पर रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग इनको ऑस्ट्रेसाइज करने लगते हैं, एक तरह से समाज से निकालने का काम करने लगते हैं। इस बात को धीरे धीरे लिटिल फादर टाइम जो था वो एनालाइज करने लगा, क्योंकि अभी दो बच्चे तो ज्यूड और सुके हो ही चुके थे, इस तरह से तीन बच्चे हो चुके थे लिटिल फादर टाइम को मिलाकर, लेकिन तीसरा उनका अपना बच्चा सुके प्रेगनेंसी कंडीशन में थी और उनके पास था। इस बात को सुनकर के लिटिल फादर टाइम का मन भर गया और उसने एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट वहां पर दिया था। उसने कहा था, उसको मन में लगा कि यार इतने ज्यादा हम लोग बच्चे होते जा रहे हैं, और उसने कुछ करने का डिसाइड कर लिया। इधर एक बार फिर से ये लोग मैरी ग्रीन में आकर रहने लगे थे और जूड की लाइफ और सुजन्ना की लाइफ ऐसी हो गई कि दोनों को अलग अलग जगहों पर रहना पड़ा, जहां पर सुजन्ना के साथ सारे बच्चे थे और जूड को अलग रहना पड़ता था। सुजन्ना बच्चों को रखकर मॉर्निंग के टाइम में जूड के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है, लेकिन जब वापस आती है तो देखकर शॉक्ड हो जाती है, जहां पर जूड एग्स ले आया होता, अंडे ले आया होता, उसको बॉयल करा होता, लेकिन सुजन्ना देखती हैं तो तीन के तीनों बच्चे जो ऑलरेडी थे वो हैंग्ड थे, लटके हुए थे। इसको देखकर वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। जूड भाग कर आता है, उनको उठाता है, और उस समय एक सुसाइड नोट मिला जिसको लिटिल फादर टाइम ने लिखा हुआ था। उसमें लिखा था डन बिकॉज वी आर टू मेनी, उसने लिखा था ये काम हमने इसलिए किया क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा है, तीन तो जमीन पे है, एक अभी प्रेगनेंसी के दौर में चल रहा है, इसलिए उसने सुसाइड किया। बाद में सु को ऐसा रियलाइज होने लगा, क्योंकि वह अब चर्च जाने लगी, और उसको ऐसा रियलाइज होने लगा कि शायद गॉड ने उसको एक पनिशमेंट दिया कि बिना शादी वो कैसे किसी और के साथ इस तरह से कर सकती है। शायद जो लिटिल फादर टाइम था उनकी लाइफ में इसीलिए आया हुआ था कि उनको पनिश कर सके, और वह रियलाइज करती है कि यह रॉन्ग है, इसलिए ना चाहते हुए भी, जबकि वो जूड को बॉल अप करती है, ना चाहते भी वह फिर से रिचर्ड फ्लॉसन के पास जाने का डिसीजन लेती है, जिसकी जानकारी अराबेला डन को हो चुकी है, क्योंकि अराबेला डन ने अपने दूसरे भी हस्बैंड को मिस्टर कार्टलेट को भी छोड़ दिया, और इसके बाद वो फिर से चाहती है जूड के साथ रहने के लिए। तो अराबेला ने रिचर्ड फ्लॉसन को यह बात बताई कि सु इस तरह से फील कर रही। रिचर्ड फ्लॉसन आकर एक बार फिर से सु को प्रपोज करते हैं और सु उसको एक्सेप्ट कर लेती है उनके साथ जाने के लिए।
इधर भी सू जूड जूड को छोड़ करके रिचर्ड फ्लॉसन के साथ चली जाती है और अरबेला डन एक बार फिर से जूड के साथ आकर रहने लगती है। जूड की सेहत एक बार फिर से खराब होने लगती है और अपने लास्ट विश में वो चाहता है कि वो जाकर शू ब्राइडहेड को एक बार फिर से मिल ले और वहां पर जाता है। दोनों के बीच में किस होता है बट सू अब किसी भी कंडीशन में ना तो जूड के साथ आना चाहती है और वो प्रॉमिस भी करती थी रिचर्ड फ्लॉसन से कि वो दोबारा कभी भी जूड को देखेंगी तक नहीं। और ऐसा होता भी है। इसके बाद जूड को कोल्ड की वजह से जूड की डेथ हो जाती है और जब उसको एनग्रेव कर दिया जाता है बरी किया जा रहा होता है उस समय भी अरबेला डन जो है वो वीडो एलेन से बात करते हुए ये पूछती है कि क्या सू इस समय आएगी जबकि वो चाहती है कि सू वहां पर ना आए और ऐसा ही होता है। सू वहां पर नहीं आती है क्योंकि उसने ऑलरेडी प्रॉमिस कर लिया था रिचर्ड फ्लॉसन से कि वहां पर दोबारा कभी नहीं जाएगी। इस तरह से एक पेसिमिस्टिक नोट के साथ जूड ऑब्स्क्योर जो है वो एंड होता है वो खत्म होता है। दिस वाज ऑल अबाउट जूड और द ऑब्स्क्योर इन माय वन वर्ड। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग इंग्लिश किंगडम अलाहाबाद। कीप वाचिंग अस फॉर मोर वीडियोस एंड कॉन्टैक्ट अस फॉर नोट्स एंड क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।